डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं आप क्लास ट्वेल्थ के लिए जो मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे वो एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को देख रहे थे। पिछले क्लास में 7 नंबर क्वेश्चंस का पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखा पाए थे आपको। चलिए 7 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन दिखा पाते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, क्या बोला जा रहा है उसको देख लीजिए। तो ये बोला जा रहा है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। आपको हम हिंट्स दिए थे, इसको दो पार्ट्स में हम लोग तोड़ेंगे। तो दो पार्ट्स में हम लोग कैसे तोड़ेंगे, दो पार्ट्स में हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे मिलेगा। एक इंटीग्रेशन टूटेगा एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और पूरा का डी एक्स। हो सकता है ना दोस्त? फिर इसके बाद कैसे हम लोग करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इंटू डी एक्स, क्लियर, और माइनस वन बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। दोस्तों अब ये दोनों को इंटीग्रेशन मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं आई वन और इसका मान लेते हैं आई टू, ठीक है। अब ये आई वन और आई टू का जो वैल्यू आएगा एक दूसरे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। आई वन में से जब आई टू को घटा देंगे तो हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले हम आई वन सॉल्व कर लेते हैं। आई वन क्या है, तो इंटीग्रेशन एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप टी मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, इसलिए इसका होगा टू एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी, ठीक है। तो ऊपर क्या है, एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डी टी बटा में टू, ठीक है। एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये टू गुना में है तो टू डिवाइड में चला जाएगा, डी टी बटा में टू। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऊपर क्या है, एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी बटा में टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर में टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या माने हैं हम, टी माने हैं, तो इसलिए रूट अंडर में टी हो गया। और ये वन बाई टू को जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा, देख लीजिए, जैसे ही वन बाई टू को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे बन रहा होगा डी टी बटा रूट टी, है ना। और ये वन बाई टू तो वन बाई टू है और ये रूट टी है, यानी टी के पावर वन बाई टू। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर माइनस वन बाई टू डी टी, ठीक है, वन बाई टू। और ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ऊपर भी वन ऐड करते हैं तो ऊपर जब वन ऐड करेंगे तो यहाँ भी होगा वन बाई टू और नीचे होगा वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वन बाई टू इंटू, इस वन बाई टू को ऊपर ले जाएंगे तो टू होगा और टी के पावर वन बाई टू प्लस सी, टू से टू कट जाएगा तो क्या बनेगा, रूट टी लिख सकते हैं, रूट टी प्लस सी, यानी कि यहाँ हो जाएगा टी के जगह पे क्या माने थे दोस्त, तो टी के जगह पे माने थे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये हम लोगों का भी आंसर नहीं आया क्योंकि ये भी हम लोगों का आई वन है दोस्त। अब लिखेंगे नाउ आई टू, तो आई टू क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन ऊपर रहता है वन और नीचे रहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तब फार्मूला क्या होता है, आपको याद आना चाहिए कि अगर वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस अगर ए स्क्वायर रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर में, तो इसका फार्मूला होता है कैसे, तो लॉग फिर मॉड फिर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। तो क्यों ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या,
वन बटा रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन है, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स। एक्स की जगह पे तो दोस्त एक्स है और ए के जगह पे कितना है वन, तो फार्मूला क्या था आप लिखो लॉग, देख लो फार्मूला क्या है, एक्स लिखो तो यहाँ तो एक्स है तो यहाँ एक्स लिख दिया, फिर क्या बोल रहा है प्लस लिखो तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, रूट अंडर फिर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिख दो, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर वन प्लस सी, तो ये हम लोगों को i2 रहा। अब लिखिएगा फाइनली, फाइनली आई बराबर, आई का मतलब इंटीग्रेशन, जो हम लोगों को क्वेश्चन था उसमें i1 में से क्या करना था i2 को घटा देना था, देख लीजिए इसको i1 माने थे घटाओ i2, तो i1 का वैल्यू कहाँ आया हम लोगों को, ये आया रूट रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे भी सी लिखे हैं यहाँ पे भी सी लिखे हैं तो दोनों को एक ही सी लिखेंगे इतना, और माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये हुआ i1, ये रहा i2 और सबको एक साथ मिला देंगे, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या है क्वेश्चन भाई 8 नंबर, तो इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर बट्टा ए एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 इंटू डी एक्स। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, अच्छा ये रूट में ध्यान दीजिएगा ठीक है, बट्टा रूट अंडर, ठीक है ये एक्स के पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है एक्स के पावर 3 का स्क्वायर, एक्स के पावर 6 हो गया, इसको लिख दीजिए ए के पावर 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए हम एक्स क्यू यहाँ पे है एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है और यहाँ पे क्या है ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग एक्स क्यू को टी मान लेते हैं, एक्स क्यू को क्या मान लेते हैं टी, क्योंकि इसको टी मानने से 3x² dx आएगा हम लोगों को। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए कि लेट एक्स क्यू को हम लोगों ने माना टी, तो एक्स क्यू को टी माने तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3x² और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन के जिधर करते हैं उधर dx और इधर हो जाएगा dt, तो कुल मिलाकर x² dx का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे dt बटा में 3, ठीक है किसका वैल्यू तो x² dx का वैल्यू। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऊपर देख लो भाई x² dx है, ऊपर कितना है x² dx, तो ऊपर में रख दिया हम लोगों ने कितना dt बटा में 3, ऊपर हो गया dt बटा 3 और रूट अंडर एक्स क्यू का स्क्वायर था, देख लो भाई एक्स क्यू का स्क्वायर, तो एक्स क्यू को हम माने हैं टी, तो यहाँ हो जाएगा t² माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो तो 1/3 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ऊपर क्या बच रहा है dt बटा रूट अंडर t² माइनस ए क्यू का स्क्वायर, इसकी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 वन बटा रूट अंडर t² माइनस ए क्यू का स्क्वायर इंटू dt। ये किस फार्मूला पे दोस्त, अभी अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, फार्मूला होता है कि अगर 1 बट्टा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर रहे माइनस ए का स्क्वायर रहे और dx रहे तो लिखते हैं लॉग, क्या लिखते हैं लॉग, फिर लगाते हैं एक्स, फिर प्लस रूट अंडर x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हम लोगों को फार्मूला है ठीक है। अब यहाँ से कीजिएगा क्या कि x के जगह पे क्या है t और a के जगह पे क्या है ए क्यू, है ना, तो यहाँ पे 1/3 तो 1/3 रहेगा ब्रैकेट x log लिखना है, ये 1/3 का तो 1/3, अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है log, फिर
मॉड अंदर एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है, टी ना, टी स्क्वायर, तो टी प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह पे टी है तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है, मॉड फिर क्या प्लस सी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को आंसर क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 1/3 लॉग मॉड टी ना, तो टी हम किसको माने हैं यहाँ पे, एक्स क्यू को, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू प्लस रूट अंडर में एक्स के पावर 6 ए के पावर 6 प्लस सी, क्योंकि टी के जगह पे यहाँ पे टी का स्क्वायर, तो टी के जगह पे एक्स का क्यू रखिएगा तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम लोगों को आंसर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देख लो भाई, टेन स्क्वायर प्लस 4 है इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। सबसे पहले करो क्या है, आप इसको इस फॉर्म में ले आओ, किस फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके के फॉर्म है, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर में कर दिया डी एक्स, नीचे में रूट अंडर, इस टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स का होल स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। चलो यहाँ से अब क्या करो, लेट मान लो टेन एक्स को मानेंगे टी, टेन एक्स को क्या मानेंगे टी, टेन एक्स को मानेंगे हम लोग टी, तो टेन एक्स को अगर टी मानेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, और टी का हो जाएगा हम लोगों को डी टी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और इसका वैल्यू हो गया डी टी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डी टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को ऊपर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के जगह पे डी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर टेन एक्स को मिलेगा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो हम लोगों को फार्मूला मिला वो ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, 1/√ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब ये फार्मूला है हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, डी 1/√ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, तो ये कौन सा फार्मूला पे जरा दिखा देते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस √ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का फार्मूला। तो इसको फार्मूला पे तोड़ दो ना भाई, कितना सिंपल है, आप लिखो लॉग, ठीक है, मॉड एक्स, यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो एक्स लिखते हैं, यहाँ टी का स्क्वायर हम लिखेंगे टी प्लस √ में उतना ही का उतना ही टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, एक स्टेप और नीचे जाएगा, टी को आप क्या माने हैं टेन एक्स, तो यहाँ लिख दीजिएगा आंसर में लॉग मॉड के अंदर टेन एक्स प्लस √ 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। दोस्त हम अभी आपको क्वेश्चन जो है 9 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, आगे वैसे ही क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, तो लगभग 10 और 11 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, हालांकि वहां पे द्विघात समीकरण में है तो आप उसको तोड़िएगा स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, स्क्वायर जब बना लीजिएगा आप तो वो चीज़ें आसान हो जाएगा। तो दोस्त बाकी का जो क्वेश्चन है 10 नंबर से उसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, तब तक आज के लिए इतना ही, और बाकी हाँ आप पूरा फार्मूला को याद रखिए दोस्त, क्योंकि इससे रिलेटेड फार्मूला भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, तो इन चीज़ों का बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा, और आज के लिए हम लोग इतना ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।